इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में 3000 से ऊपर महिलाओं का यौन शोषण करने वाला व्यक्ति रातों रात देश से फरार हो जाता है। मोदी का परिवार उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो क्रिमिनल है, जो शोषण करता है, जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। मणिपुर में देख लीजिए, ये वही मोदी का परिवार है जो दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड निकाल लेते हैं। ये वही मोदी के परिवार के लोग हैं। 13 लोगों ने एक साथ एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न करा, ये उसी परिवार के लोग हैं। और ये वही परिवार का आदमी है जिसने 2000-2500 से ऊपर महिलाओं के साथ शोषण करके उनको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया। और ये वही परिवार के लोग हैं जो अपनी सत्ता का गलत उपयोग करते हुए अपने ही देश के लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बेकार पार्टी है, यौन उत्पीड़न शोषणकर्ताओं की पार्टी है। इनके परिवार में एक एक आदमी शोषण करता है। जब उनसे जवाब मांगो तो हिंदू मुस्लिम, उनसे जवाब मांगो तो राम मंदिर, उनसे जवाब मांगो तो काशी बाकी है, उनसे जवाब मांगो तो मथुरा बाकी है, उनसे जवाब मांगो तो लक्षद्वीप, उनसे जवाब मांगो तो लैटरिंग। ये तो इसका विकास है। बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के नेता प्रज्वल रेवन्ना का जो वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री इस मामले पर चुप हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो महिलाओं के साथ शोषण करता है, उसका यौन शोषण करता है, उसके बाद वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फूले आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जी है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, कुछ ध्यान में आकर्षित आपको पीछे करूंगा। आज से कुछ दिन पहले ट्विटर पे हैशटैग चला था, मैं भी मोदी का परिवार। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार ही आज ऐसे कुकर्म कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक सदस्य ने अपने बेटे की गलती छुपाई। अब उसी चीज़ को, वाक्य को दोहराते हुए हमारे भारत के तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वही वाक्य कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पे, टीवी न्यूज़ चैनल पे, हर जगह ये खबर आ रही है। प्रज्वल रेवन्ना ने 2800-2900 के लगभग यौन उत्पीड़न करके महिलाओं का वीडियो रिकॉर्ड किया। अब वो वीडियो रिकॉर्ड किसने किया? जो एनडीए के गठबंधन में था। एनडीए कौन है? भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल। अब मुझे ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर शुरू से ही यौन शोषण करने वालों के साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी रिहा करवाया, वो भी आरोपी थे और 13 लोग थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगी दल के एक नेताओं को विदेश भागने का मौका दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम देश के साथ गद्दारी करने वाले को किसी भी हद तक नहीं छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, हेमंत सोरेन जेल के अंदर है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर है, उन्होंने किसी के साथ यौन उत्पीड़न नहीं किया फिर भी वो जेल के अंदर है। आज भारत के अंदर इतनी सारी महिलाओं से अपनी सत्ता की पावर में होते हुए यौन उत्पीड़न करता है और वो देश के बाहर चला जाता है। समझिए ना, क्रोनोलॉजी समझिए। 26 को चुनाव ख़त्म होता है, अप्रैल के महीने में कर्नाटक का चुनाव ख़त्म होता है, और दो दिन पहले एफआईआर दर्ज होने से पहले ही प्रज्वल रेवन्ना भारत से बाहर चले जाते हैं। भारत केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी देखरेख में प्रज्वल रेवन्ना जो है बाहर चले जाते हैं। और आज जब देश पर उनके जो आरोप खुल रहे हैं तो देश से बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला अध्यक्ष हैं स्मृति ईरानी जी, बाल विकास कल्याण मंत्री, अभी तक उनका एक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ कि जो यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला थी उनको तसल्ली भी दे देती। भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बेकार पार्टी है, यौन उत्पीड़न शोषणकर्ताओं की पार्टी है। इनके परिवार में एक एक आदमी शोषण करता है, ये समझिए। ये कहते हैं कि हम भी मोदी का परिवार। आज इनके मोदी के परिवार का एक व्यक्ति इतने बड़े आरोपों में घिरा हुआ है, पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए। आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे इस विषय पर? क्योंकि ये कोई छोटा मामला तो है नहीं। महिलाओं की सुरक्षा तो छोड़िए, महिलाओं के साथ इस तरह का काम, वो भी एक दो महिलाओं नहीं है, कम से कम जो आंकड़ा बताया जा रहा है 3000 महिलाएं ऐसी है जो पीड़ित है। और ये तो मामला जब उठा, उनके निजी जो ड्राइवर है उन्होंने अपनी चालाकी से किसी तरह
खबरों के मुताबिक बताया गया कि उनके साथ कोई विवाद हो गया तब ये फाइलें खुली, वरना इतने दिनों से उन महिलाओं का शोषण करा जा रहा था। फिर भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पर और उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, गठबंधन करते हैं। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो मोदी का परिवार है और ये मैं मानता हूँ ये पूरी तरह मोदी का परिवार होंगे और इस परिवार में न जाने कितने लोग और ऐसे होंगे जो ये काम कर रहे हैं। सबका खुलासा होना चाहिए। इस नरेंद्र मोदी साहब भी कुछ दिन पहले इनसे मिले हैं, जांच इनके ऊपर भी होनी चाहिए। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले बयान देते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश की हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनना चाहती है। आज कांग्रेस पार्टी की जगह इनके सहयोगी दल के एक व्यक्ति ने, नेता ने इतना घिनौना काम किया है जो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में 3000 से ऊपर महिलाओं का यौन शोषण करने वाला व्यक्ति रातों रात देश से फरार हो जाता है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र छीनना चाहती है, तो अब मुझे ये बताओ इनके मोदी के परिवार के लोग मंगलसूत्र छीन भी नहीं रहे और महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं। अगर कुछ जवाब देंगे इसके बारे में मोदी जी? कुछ नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जब उनसे जवाब मांगो तो हिंदू मुस्लिम, उनसे जवाब मांगो तो राम मंदिर, उनसे जवाब मांगो तो काशी बाकी है, उनसे जवाब मांगो तो मथुरा बाकी है, उनसे जवाब मांगो तो लक्षद्वीप, उनसे जवाब मांगो तो लैटरिंग। ये तो इसका विकास है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ ऐसी पार्टी को तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए देश से। क्या बीजेपी चुनाव के वजह से चुप है क्या? क्योंकि मैं मुद्दा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, एक पीड़ित 3000 महिला, क्या प्रधानमंत्री जी इसलिए इसके खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं ताकि आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को इस वजह से बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे? बिल्कुल भुगतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी साधी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। भारत की जनता 150 करोड़ की आबादी, 50% महिला, 75% 25% बच्चे, सभी लोग देख रहे हैं ना वीडियो को, बोल रहे हैं वो, बोल करके एक बोर्ड की चोट कर से बाहर कर देंगे इनको। मत बोले प्रधानमंत्री जी, जब बोलने का, जब जनता जवाब मांगती है, ये जनता तंत्र है, जनता जवाब मांगती है तो प्रधानमंत्री का हक बनता है बोलने का। अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो हम तो बोल रहे हैं ना, सबको पता लग रहा है कि गड़बड़ किसकी है और किसके राज में वो भागा और कैसे भागा और प्रधानमंत्री क्यों मिले उससे, सबको पता है। ये मोदी का परिवार है और परिवार का व्यक्ति अपने परिवार का तो सपोर्ट करता ही है ना। कैसे परिवार है? क्योंकि परिवार का जो हिस्सा होता है, क्योंकि अभी जो आप कुछ देर पहले बोले हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, तो क्या परिवार के एक हिस्से को इस तरह से छोड़ देना कहाँ तक जाएगा? मेरी बात सुनिए, मैं मोदी का परिवार उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो क्रिमिनल है, जो शोषण करता है, जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। मणिपुर में देख लीजिए, ये वही मोदी का परिवार है जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड निकाल लेते हैं। ये वही मोदी के परिवार के लोग हैं जो 13 लोगों ने एक साथ एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न करा, ये उसी परिवार के लोग हैं। और ये वही परिवार का आदमी है जिसने 2000-2500 से ऊपर महिलाओं के साथ शोषण करके उनको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया। और ये वही परिवार के लोग हैं जो अपनी सत्ता का गलत उपयोग करते हुए अपने ही देश के लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको मोदी का परिवार बोल रहा हूँ। ये असल में ही मोदी का परिवार है, हम मोदी का परिवार नहीं है, हम देश के सच्चे नागरिक हैं, हम राष्ट्रीय हित में अपनी बात रखना चाहते हैं, देश के लोगों के साथ रहते हैं, देश जो कहता है हम वो करते हैं, देश का जो हित होगा हम वो करेंगे। हम मोदी के साथ नहीं, हम मोदी का परिवार बिल्कुल भी नहीं, हमें परिवार में ना घसीटे, क्योंकि हम इन सब कामों से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। हमें केवल राष्ट्रीय हित की बात चाहिए, हम सेकुलर लोग हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, किसी को गाली हमें देना आता नहीं, किसी से गाली सुनना भी हमें नहीं आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में, मैं फिर कह रहा हूँ, 2 बार भी आपके चैनल पर कह चुका हूँ कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार होने वाली है, इसका नतीजा ना चुनाव परिणाम के बाद आप देख लेना, कितने नेता इनके भ्रष्ट नेता और कितने बलात्कारी नेता, अगर इनके नेताओं से अगर जेल ना भर जाए ना हमारी तिहाड़ जेल, तो बता देना कि यहाँ सचिन जी आपने गलत बोला है।